साइकोलॉजी या कुछ और भी सब्जेक्ट को भी हम आर्ट कहते हैं, लेकिन पेंटिंग की जब बात आती है तो पेंटिंग एक प्योर आर्ट है, फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट है, ये प्योर आर्ट है जो सिर्फ आर्ट ही है और खालिस आर्ट है। और आर्ट की दुनिया बहुत सुंदर दुनिया होती है। तो आप सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सुंदर दुनिया को निर्माण करते हैं। एक आर्टिस्ट का मन बहुत कोमल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। आर्टिस्ट अपने आस पास जो कुछ होता हुआ देखता है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उस सबको अपनी पेंटिंग के माध्यम से, अपने आर्ट वर्क के माध्यम से वो जनता को समाप्त करता है, अपनी अभिव्यक्ति को आर्ट के माध्यम से करता है। तो ये अभिव्यक्ति है, इस माध्यम से आप इस जगत को एक आईना भी दिखाते हैं। कई बार हम जैसे सब लोग जो आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है उनको उस प्रकार से नहीं देख पाते, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा होता है, हमारा मन कई बार इतना सेंसिटिव नहीं होता है कि हम जागृत हो सकें उसके लिए। लेकिन आर्टिस्ट है जो अपने आसपास उसी चीज़ को वो पकड़ता है, उसी चीज़ के रिगार्डिंग वो एक आर्टवर्क पेश करता है और दुनिया का जो जो आकर्षण है ध्यान वो उसकी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए आप सबका दायित्व बहुत बड़ा है। समाज को क्या होना चाहिए वो आप बना के दिखाते हैं, समाज में क्या सुंदर हो रहा है वो आप दिखाते हैं, समाज में क्या नहीं होना चाहिए उसकी भी व्यक्ति अपने आर्टवर्क के द्वारा आकर्षित करते हैं। रंगों की दुनिया है आपकी, सुंदरता बिखेरने की दुनिया है, तो ये सभी सुंदरता आपने 130 के ऊपर ही जो आर्टवर्क है संकलित की है। मैं चाहूँगी कि अच्छी अच्छी पेंटिंग्स को देखकर आप और आगे बढ़ जाएं। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप मुझे अभी अचीव करना चाहते होंगे, मैडम मिश्रा है मैं यहाँ पर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। हो सकता है आप में से कोई बहुत ऐसे हो जिन्होंने कोई एक पेंटिंग है अभी पहली बार बनाई है, अभी दूसरी बार बनाई है,